हेलो एवरीवन। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आपने आज तक सीटी स्कैन एमआरआई के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, एंड आपने ये भी सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। सो ये जो न्यूक्लियर वर्ड है, ये कहीं ना कहीं इस बात से रिलेटेड है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्थिर रूप में नहीं रह सकते, यानी जिनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो किसी ना किसी रूप में बाहर ज़रूर आती है। वो किसी के नुकसान के लिए भी हो सकती है, और उसका हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो वो फ़ायदा भी आ सकती है। सो न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है? ये वो स्पेशल ब्रांच है मेडिसिन की, यानी पेशेंट के ट्रीटमेंट की, जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं, किरणें निकलती हैं। जैसे सूरज है, सूरज से किरणें निकलती हैं, टेबल लैम्प होता है, टेबल लैम्प से किरणें निकलती हैं। सो ऐसी किरणों का इस्तेमाल, ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल जब हम पेशेंट की बीमारी का पता लगाने के लिए या किसी सीरियस बीमारी का इलाज करने के लिए करते हैं, सो उसी को हम न्यूक्लियर मेडिसिन कहते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर अलग होते हैं, वहाँ काम करने वाले टेक्नीशियंस भी अलग होते हैं। ये एक अलग स्पेशलिटी होती है। सो लेट्स सी कि आखिर इसके इसकी यूजेस क्या क्या हैं। सो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेडिसिन दो कामों के लिए यूज़ होती है। पहला डायग्नोसिस करने के लिए डिजीज़ का, एंड दूसरा किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। सो डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग, बीमारी का डायग्नोस करने में ये कैसे काम आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या ये न्यूक्लियर मेडिसिन? आपने कभी पेशेंट के साथ गए हों तो देखा होगा, जब पेशेंट का सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन से पहले पेशेंट को एक थोड़ा ऑरेंज कलर का लिक्विड दिया जाता है पीने के लिए। एक्चुअली में वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? वो एक रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है, या हम उसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सो उससे होता क्या है, वो लिक्विड पेशेंट की बॉडी के अंदर जाता है, एंड उससे क्या होता है, जहाँ पर भी पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा बीमारी होती है, ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, कैंसर होता है, कोई ट्यूमर होता है, यानी कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उस जगह पर जाकर के इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, जब हम पेशेंट को अपने स्कैनर के अंदर लेटाएंगे, उससे उन आइसोटोप्स के अंदर से, उस मटेरियल के अंदर से किरणें निकलती हैं, एंड हमारी जो मशीन होती है उसके अंदर गामा कैमरास बने हुए होते हैं जो उस पेशेंट के शरीर से निकलने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उनको पिक्चर की फॉर्म में दिखा देते हैं, जिससे कि डॉक्टर ये देख पाते हैं पेशेंट की बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है एंड कितनी। सो डायग्नोसिस हमने देख लिया, कैसे हम न्यूक्लियर मेडिकल सन का इस्तेमाल पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, बीमारी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज़ है वो है इंटरवेंशनल न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी जब हम रेडियो आइसोटोप्स का, ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल पेशेंट के ब्लड डिसऑर्डर को, ब्लड से रिलेटेड बीमारियों को, एंडोक्राइन डिसफंक्शन को, लाइक थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, थायराइड में ट्यूमर है, या पेशेंट की बॉडी में किसी भी टाइप का कैंसर है, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? ये ऐसी रेडिएशन होती है जो ज़्यादा दूर के डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम पेशेंट की बॉडी के अंदर ये रेडियो आइसोटोप इंसर्ट करते हैं, ये एक जगह पर जाकर के कलेक्ट तो ज़रूर होंगे, लेकिन इनकी जो किरणें हैं वो ज़्यादा आसपास के ऑर्गन्स तक नहीं फैलेंगे, जिससे कि बाकी के जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान कम से कम होने के चांसेस होते हैं। सो डायग्नोसिस के लिए हम कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? आयोडीन-131 एंड स्ट्रॉन्टियम। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर मेडिसिन में किया जाता है। ये कुछ टाइप्स हैं उन स्कैन्स के जो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आते हैं। सीटी स्कैन हो गया, जिसे हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं। एमआरआई हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ। स्पेक्ट हो गया, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप और सीटी स्कैन का कॉम्बिनेशन है। पेट स्कैनिंग होती है,
पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये जितने भी टेस्ट हैं ये ज़्यादातर डॉक्टर तभी एडवाइस करते हैं जब पेशेंट का सिंपल अल्ट्रासाउंड से या बाकी के ब्लड टेस्ट से कोई एक रिजल्ट नहीं मिल पाता, तब जाकर के डॉक्टर इन टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो रिस्क है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर हमने किसी नॉर्मल टिश्यू पर ये रेज डाल दी तो चांसेस है वो डैमेज भी हो सकते हैं। देन लेट्स सी कि आखिर न्यूक्लियर मेडिसिन की ये जो टेस्ट हैं या ये जो इलाज है ये किन कंडीशंस के अंदर करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, क्यों किए जाते हैं ये यूज़। पहला जो रीज़न है वो है अगर कोई न्यूरो का डिसफंक्शन है उसको इवेल्यूएट करने के लिए। अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, पेशेंट की दिमाग की नस फट चुकी है, पेशेंट के ब्रेन में कोई ट्यूमर है, या पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई हीमाटोमा बन चुका है, या पेशेंट की जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं मेनिंजेस, उनमें स्वेलिंग है, कितना इन्फेक्शन है, कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, ट्यूमर का अप्रोक्सीमेट साइज़ क्या है, कौन से टिश्यूज़ कौन से पार्ट के अंदर है, कौन सी नर्व को वो कंप्रेस कर रहा है। तो काफ़ी हद तक जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती है उनका एवेल्यूएशन करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। सेकेंड इज़ मायोकार्डियल परफ्यूजन, यानी कार्डियक में भी इसका यूज़ बहुत है। मायोकार्डियम लेयर जो मिडल लेयर होती है हार्ट की, उसमें जो कोरोनरी आर्टरीज ब्लड को सप्लाई कर रही हैं उनको देखने के लिए परफ्यूजन कैसा है। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो या पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो तो चेक करने के लिए पेशेंट की मायोकार्डियम कितनी डैमेज हुई है या कितने सेल ऐसे हैं जो बच गए हैं जो अभी भी वर्क कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पता लगाने के लिए, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरी होती हैं जो हार्ट की मसल लेयर को सप्लाई करती हैं। एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने के लिए, पेशेंट को अगर अनएक्सप्लेन चेस्ट पेन है, यानी पेशेंट को सीने में दर्द रहता है जिसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कार्डियक फंक्शंस को देखने के लिए, जितने भी कार्डियक आउटपुट होते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन सब को चेक करने के लिए भी न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई अभी रिसेंट डिजीज़ हुआ है, कोई एक्यूट डिजीज़ है, क्रॉनिक कंडीशन है, उनको देखने के लिए, अगर पेशेंट को कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेनाइटो यूरिनरी कोई कॉम्प्लिकेशंस है, पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है, रीनल ट्रांसप्लांट होना है, तो रीनल ट्रांसप्लांट करने से पहले भी पेशेंट का एक प्रॉपर टेस्ट होना, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को किडनीज में कोई इंजरी हुई है, एब्डोमिनल एरिया में कोई इंजरी हुई है, इंजरी का इम्पैक्ट कितना है वो देखने के लिए, ट्यूमर है, ट्यूमर तक कौन सी आर्टरीज जो है वेन की सप्लाई कर रही हैं। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट ढंग से कर पाते हैं। देन लिवर, स्प्लीन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग चेक करने के लिए, इसोफेगस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए, लंग्स के थ्रू परफ्यूजन देखने के लिए, एल्वियोलाई का स्टेटस देखने के लिए। इसके अलावा एंडोक्राइन की कोई अगर प्रॉब्लम है, पेशेंट की बॉडी में इंफेक्शन है, सेप्टिसीमिया की कंडीशन है, कहीं पर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रखी है, यानी कि ये जो टेस्ट होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड, ये हमें एक ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया दे पाते हैं कि पेशेंट की बॉडी में एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। बिकॉज जब हमें रूट कॉज पता होगा हम पेशेंट का ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये तो थी इंडिकेशंस। अब जहाँ इंडिकेशन होती है वहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी ज़रूर होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन कंडीशंस में हम न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी, इन केस अगर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम टाल नहीं सकते। प्रेग्नेंट लेडी अगर न्यूक्लियर मेडिसिन यानी रेडिएशन से एक्सपोज्ड होती है, उससे होने वाले बेबी को बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं, बेबी डेड हो सकता है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बेबी के अंदर कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। दूसरी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर वो फीमेल अपने बेबी को दूध पिलाती है तो अगर ज़रूरी है कम से कम ये टेस्ट होने के बाद अगले 12 घंटों तक वो बेबी को फीड ना कराए तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी मना करते हैं। थर्ड इज़ अगर ये टेस्ट कराने के लिए कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है कि ये टेस्ट करवाया जाए। फोर्थ, अगर पेशेंट अभी रिसेंटली रेडियोथेरेपी में गया है, रेडियोथेरेपी हुई है उसकी, कीमोथेरेपी उसे मिली है रिसेंटली, पेशेंट का कोई एंडोस्कोपी टेस्ट हुआ है, पेशेंट की अगर कोई सर्जरी हुई है,
चाहे वो कोई इतनी मेजर या लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी ना हो, स्टिल ये सारी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इन्हें फॉलो किया जाता है। इनमें डेविएशंस तभी होती हैं जब कोई एब्सोल्यूट रीज़न होता है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखते हैं आखिर ये कैसे काम करती है टेक्निक। न्यूक्लियर मेडिसिन का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट की बॉडी के अंदर रेडियो ट्रेसर्स या रेडियो फार्मास्यूटिकल इंसर्ट किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसी मेडिसिन्स को, सॉल्यूशंस को पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती है। ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ये कि ये उस एरिया में जाकर के बाइंड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन है, कैंसर है। अब वहाँ बाइंड होने के बाद इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है रेडियो ट्रेसर वो है 18-फ्लोरो डिऑक्सी ग्लूकोज। वहाँ जाकर जब ये कलेक्ट हो जाएंगी इनके अंदर से रेडियो एक्टिव एमिशंस निकलेंगे यानी किरणें निकलेंगी जो स्पेशल कैमरा के ज़रिए क्या की जाती हैं, डिटेक्ट कर ली जाती हैं, जिससे गामा कैमरास इमेज फॉर्म कर देते हैं एंड वो एक डायग्नोस्टिक टूल का काम करती हैं। ये जो था एक प्रोसीजर था किस तरह से डायग्नोसिस में काम आता है। अदरवाइज जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैसे वो कैसे, इन रेडियो आइसोटोप्स को सीधा पेशेंट के कैंसर वाले पार्ट में कैप्सूल्स की फॉर्म में इंसर्ट कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है पर्टिकुलर उस कैंसरस ट्यूमर को टारगेट करने के लिए। ये एक स्पेक्ट स्कैनिंग मशीन है। एज यू कैन सी पेशेंट की बॉडी के अंदर हमने रेडियो ट्रेसर इंसर्ट कर दिया था आईवी के थ्रू, देन उसमें से गामा रेज निकल रही हैं। ये जो मशीन है ये 360 डिग्री रोटेटिंग होती है कुछ कंडीशंस में। देन अब जो ये रेडिएशन पेशेंट की बॉडी के अंदर उन सब्सटेंस से निकल रही हैं, गामा कैमरा उनको कैप्चर करेगा एंड मॉनिटर पर उनको इमेज की फॉर्म में दिखा देगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उस इमेज में एंड जहाँ पर वो कलर जो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा कलेक्टेड होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर परफ्यूजन या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेट प्रॉब्लम ज़रूर है। देन हम इन गामा कैमराज के एंगल को फोकस कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन नीड क्या है और कितना डिटेल्ड उस एरिया को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। आई होप सो। थैंक यू।